सो ही गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही मैजिकल, बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो आपकी लाइफ बदल के रख देगी, आपकी रियलिटी को वो बदल देगी। और ये टेक्निक है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने व्यक्तित्व को बहुत ही जल्दी बदल सकेंगे एंड आप अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को बहुत ही जल्दी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप इस वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम है, अपीयरेंस प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में इस वक्त है, तो आप मिरर टेक्निक के थ्रू उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको रोज़ मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। जब भी आप मिरर को देखो, मिरर में अपने आप को देखो, तब यू हैव टू रिपीट सम पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो कुछ भी हो सकती है। ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन हो सकती है, ब्यूटी एफर्मेशन, हेल्थ एफर्मेशन, जो भी डिज़ायर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी एफर्मेशन हो सकती है। तो सिंपली आपको खुद को देखकर बोलनी है। ये चीज़ आपको लगातार मिनिमम 21 दिनों तक कंटिन्यू करनी है कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर वो एफर्मेशंस को रिपीट करना है, अपने आपको देख के स्माइल करनी है एंड जस्ट पूरा विश्वास रखना है कि आप जो भी बोल रहे हो वो सच है। ट्राई टू इमेजिन कि आप अपने जो आप चाहते हो, जो आपका एक ड्रीम वर्जन है, वो आप हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप मिरर के सामने देखें, आपको सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालकर देखना है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिसको मान लीजिए कि पिंपल की प्रॉब्लम है, तो वो मिरर में देखेंगे, अगर इस टेक्निक को करेंगे तो उनको अपने पिंपल्स दिखेंगे और वो फोकस नहीं कर पाएंगे। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ प्रैक्टिस करो। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब आप खुद की आंखों में देखेंगे और कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ अपनी आईज, अपने आप से आई कॉन्टैक्ट करना है आपको, और आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। ये चीज़ जितना आप रिपीटेडली करेंगे, धीरे धीरे आपका माइंड रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर वो सेल्फ लव डेवलप होगा। अगर आप सेल्फ लव ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मिरर के सामने देखकर आपको आई एम एफर्मेशन, सेल्फ लव की एफर्मेशन ज़रूर बोलनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड बहुत आपको हेल्प करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। आप इवन मिरर में देखकर अपने आप को कंग्रेचुलेट भी कर सकते हो। आप खुद को कंग्रेचुलेशन करिए, आप खुद को बोलिए कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली, उसके बदले कंग्रेचुलेशंस। खुद को आप इस तरीके से अपने आप को अप्रिशिएट करिए। कोई भी चीज़ है जो इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आप जैसे कि किसी दूसरे पर्सन को बोल रहे हो कि मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, उसी तरह आपको खुद को ये चीज़ बोलनी है मिरर में देखकर। और जितना रिपीटेडली बोलेंगे, उतना आपको धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगेगा। आप उस पर विश्वास करने लगेंगे, एंजॉय करने लगेंगे इस टेक्निक को, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, एंड आपका माइंड भी धीरे धीरे पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेगा जो आप रियल में चाहते हैं। तो मिरर टेक्निक ज़रूर अपनाएं। अभी तक आपने अगर मिरर टेक्निक नहीं की, तो सिंपली आज से आप कर सकते हो। कभी भी आप पूरे दिन में जब भी मिरर के सामने देखिए, सिर्फ अपने आप की आँखों में देखना है और बस अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। कोई भी एफर्मेशन आप बनाइए, बोलनी है, कोई रूल्स नहीं है इसमें। कभी भी आप बोल सकते हो एंड जस्ट थैंक यू बोलना है। इतना अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आपको बहुत ही जल्दी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये टेक्निक ज़रूर ट्राई करिए। बहुत लोगों को हेल्प मिली है, तो आप भी ट्राई करना, आपको भी हेल्प मिलेगी। सो फिलहाल यही था इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।